दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 20x45 की हाउस प्लान की जो कि आपके कहने पर मैंने डिजाइन किया है। हमारे एक सब्सक्राइबर थे, उन्होंने बोला सर मुझे 20x45 का हाउस प्लान विद कार पार्किंग चाहिए। तो उन्हीं के कहने पर मैंने यहां पर एक बहुत ही बेहतरीन सा मॉडल डिजाइन किया, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। इसकी साइज की बात करें तो 20x45 20 फीट चौड़ाई है और लंबाई की बात करें 45 फीट है विद कार पार्किंग। यहाँ पर आपको कार पार्किंग का भी स्पेस मिलता है और बाहर से स्टेयर्स मिलता है। फुल डिटेल के साथ बात करेंगे, रूम्स मिलते हैं, बेडरूम्स मिलता है, किचन बाथरूम सभी कुछ मिलता है। इसका ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर एंड सेकेंड फ्लोर सबको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको इसको दिखा देता हूँ। अगर हम फ्रंट की बात करें, अगर सामने से देखें तो ये आपको ऐसा दिखने वाला होगा मॉडल, देखिएगा। अगर इसका हम टॉप व्यू बात करें तो टॉप से आपको ये ऐसा दिखेगा और यहीं अगर हम साइड से बात करें तो साइड से ये मॉडल आप ऐसा देख पा रहे होंगे। इसकी साइज मैंने पहले से बता दिया, 20x45 है विद कार पार्किंग। बहुत ही बेहतरीन मॉडल डिजाइन किया है हमारे एक सब्सक्राइबर थे उनके कहने पर। तो चलो हमेशा की तरीके से हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे गुजारिश जरूर करूंगा, अगर हमारे चैनल स्मॉल हाउस प्लान पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको लगातार अपडेटेड वीडियो मिलते रहते हैं। कोई भी हाउस प्लान, किसी भी टाइप का घर का नक्शा हो, आपको बहुत सारे यहाँ मॉडल मिल जाते हैं। अगर आपको कोई मॉडल नहीं मिलता है तो आप मुझे कमेंट करके भी बोल सकते हैं कि मैं सर मुझे ये मॉडल चाहिए तो मैं आपका मॉडल डिजाइन कर दूंगा। हालांकि बहुत सारे कमेंट चाहते हैं तो मैं सभी मॉडल तो डिजाइन नहीं कर पाता हूं, लेकिन कोई एक स्पेसिफिक जो कॉमन मॉडल होता है उसको सिलेक्ट करके उसको डिजाइन करके आपको देता हूं। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक और शेयर अभी से कर दें। तो चलो पूरा मॉडल डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं अपने मॉडल पे। तो हमेशा एक तरीके से मैं इसको पहले करूंगा ट्रांसपेरेंट। मैं लगातार आपको कोई भी मॉडल डिजाइन करने से पहले बताने से पहले आपको उसको ट्रांसपेरेंट करके जरूर दिखाता हूं। देखिएगा ये मॉडल ट्रांसपेरेंसी, जैसे आप इसको ट्रांसपेरेंट करते हैं, थोड़ा सा और ट्रांसपेरेंट कर लेता हूं। तो ट्रांसपेरेंसी में सारी चीजें आपको ओपन दिखती हैं, मतलब कि दीवारें जो होती हैं वो हाइड हो जाती हैं और जो अंदर का सामान या जो भी होता है वो सिर्फ दिखते। देखिएगा ट्रांसपेरेंसी में ये मॉडल आपको और भी बेहतरीन दिखने वाला है। देखिएगा फ्रंट से बात करें तो फ्रंट में ट्रांसपेरेंट करने पर आपको ऐसा दिखेगा और साइड व्यू आपको ऐसा दिखेगा। अगर हम टॉप की बात करें तो टॉप को आपको ऐसा दिखने वाला है। तो ये पूरा ट्रांसपेरेंसी में मॉडल दिखता है। तो चलो इसकी हम ट्रांसपेरेंसी कर देते हैं रिमूव और ट्रांसपेरेंसी रिमूव करते हैं तो ये अपना आ जाता है ओरिजिनल पोजीशन पर। तो ओरिजिनल पोजीशन पर आने पर सबसे पहले चलते हैं इसके ग्राउंड फ्लोर पर। तो जैसे इसके ग्राउंड फ्लोर पर जाएंगे तो देखिएगा ग्राउंड फ्लोर आपको ऐसा, फ्रंट से आपको ऐसा दिखने वाला है ग्राउंड फ्लोर। और जैसे आप यहां से जाते हैं तो सबसे पहले आपको मिल जाती स्टेयर्स ऊपर जाने के लिए, आप इस वाली स्टेयर से ऊपर जा सकते हैं और यहाँ मिल जाता है कार पार्किंग, क्योंकि ये मॉडल जो मैंने क्रिएट किया 20x45 विद कार पार्किंग डिजाइन किया है। तो ये आपको कार पार्किंग की जगह मिल जाती है और आपका ये मेन डोर है, ये मेन डोर है और यहाँ से जैसे एंटर करते हैं तो सबसे पहले आपको एक बेडरूम मिल जाता है। इस बेडरूम के लिए मैंने अंदर से दिया है डोर, ना कि बाहर से, बाहर सिर्फ एक विंडो दे दिया है वेंटिलेशन के लिए। और यहाँ से एक ये बड़ा सा एक बेडरूम आपको मिल जाता है। पीछे की बात करें तो पीछे भी आपको सेम टू सेम दो बेडरूम मिल जाते हैं, जैसा कि आप मॉडल में देख पा रहे होंगे। साइड में आपका ये देखिएगा मिल जाता है किचन। ये मैंने सिर्फ ओपन किचन बनाया है, मतलब कि ओपन तो नहीं है लेकिन सिर्फ जाल लगा दिया जिसमें आपका वेंटिलेशन का कोई प्रॉब्लम ना मिले किचन में। तो ये आपका हो गया किचन, ये एक बेडरूम, दो तीन तीन बेडरूम मिल जाते हैं। अब बात आती है लेटरिन एंड बाथरूम की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है आपके यहाँ पर। तो लेटरिन एंड बाथरूम आप जो स्टेयर्स है इसके नीचे डिजाइन कर सकते हैं। मैंने फिलहाल इस फ्लोर पर डिजाइन नहीं किया है, मैंने डिजाइन किया इसके फर्स्ट फ्लोर पर लेटरिन और बाथरूम। अगर आप चाहते हैं कि इसी फ्लोर पर डिजाइन करना तो आपको मैं ऑप्शन बता रहा हूँ कि आप स्टेयर्स जो सीढ़ी है इसके नीचे आप लेटरिन और बाथरूम डिजाइन कर सकते हैं इसी फ्लोर पर। लेकिन मैंने इस मॉडल में फर्स्ट फ्लोर पर डिजाइन किया है। तो यहाँ पर मैंने किचन बना दिया है, बेडरूम बना दिया, कार पार्किंग बना दिया है, सब कुछ पूरा देखिए आपको ओपन घर मिल जाता है। अगर आप इस मकान को किराए पर भी देना चाहते हैं तो स्टेयर्स मैंने इसीलिए बाहर से दी हैं कि बाहर से कोई भी मूव करके ऊपर जा सकता है। तो ये तो हो गया इसका ग्राउंड फ्लोर। अब हम डिस्कस कर लेते हैं इसका फर्स्ट फ्लोर। जैसे आप फर्स्ट फ्लोर पर आते हैं तो देखिये फर्स्ट फ्लोर आपको फ्रंट से ऐसा दिखने वाला होगा। जैसे आप यहाँ से आ जाते हैं तो पीछे वाला पोर्शन सेम टू सेम है, वहीं पर किचन, वहीं बेडरूम है दोनों तीनों, सिर्फ आपका लेटरिन और बाथरूम था। तो ये मैंने लेटरिन और बाथरूम यहाँ पर फ्रंट में डिजाइन कर दिया है। आप देख पा रहे होगे यहाँ पर आपका छोटा सा
यहाँ पर स्टोर रूम भी डिजाइन कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर स्पेस काफी बच जाता है। तो ये तो हो गया इसका फर्स्ट फ्लोर। फिलहाल यहाँ फर्स्ट फ्लोर पर कुछ खासा डिजाइन नहीं किया है, जो ग्राउंड फ्लोर पर था वही यहाँ पर आपका फर्स्ट फ्लोर पर आ जाता है। तो ये आपका देखिएगा, ये बालकनी मैंने 2.5 फीट की निकाल दी है अप्रॉक्स, और सारी चीजें वही सेम है। तो ये आपका फर्स्ट फ्लोर डिजाइन हो जाता है। अब हम चलते हैं इसके लास्ट फ्लोर पर। तो लास्ट फ्लोर देखिएगा, फिलहाल कुछ नहीं, मैंने बाउंड्री दे दिया है 3.5 फीट के चारों तरफ, और स्टेयर्स जो मैं लाया था ऊपर से नीचे से उसको ढक दिया है, और विंडो एक डोर दे दिया है। तो ये पूरा डिजाइन था 20x45 का। कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, साथ साथ वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आपका कोई स्पेसिफिक मॉडल है तो मुझे कमेंट करें कि सर मुझे ये मॉडल चाहिए, तो मैं प्रयास करूंगा कि उस मॉडल को मैं डिजाइन कर सकूं जल्द से जल्द। और अगर हमारे चैनल स्मॉल हाउस को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, प्लीज सब्सक्राइब करें। आपका एक लाइक एक शेयर मेरे लिए बहुत ही मोटिवेशन का काम करता है। तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिएगा, क्योंकि मुझे बहुत सारे मोटिवेशन मिलते हैं। अगर आपको ये वीडियो फेसबुक पर वॉच कर रहे हैं तो आप अपने फ्रेंड्स या रिश्तेदारों को फेसबुक पर भी इसको शेयर कर दें। प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।